टेस्टी फूड ऑफ इंडिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पुलाव। ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है, बहुत चटपट से बन जाता है। पालक पुलाव बनाने से पहले मैं एक जरूरी बात बताऊंगी, अगर आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं पालक पुलाव। पालक पुलाव बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, दो बड़े अनियन लिए हैं जिसे मैंने इस तरह से चॉपिंग की है, आप चाहे तो छोटे भी चॉपिंग कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। एक टोमेटो, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ काजू पीसेस जिसे मैंने इस तरह से हाफ स्लाइस किए, एक स्टार, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लवंग, 1 तेजपत्ता, 1 काली इलायची, 3 से 4 हरी मिर्च, तीखा आप आपके टेस्ट के अनुसार ले सकते हो, और 1 बड़ा बॉल पालक जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर चॉपिंग की है, और 1.5 कप चावल जिसे मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिए। हम ये सब मसाले फ्राई करेंगे जब तक चावल भीग कर अच्छे रेडी हो जाएंगे। तो अब मैं बनाना शुरू करूंगी पालक पुलाव। हम ये राइस कुकर में बनाएंगे, तो मैंने कुकर में 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इस ऑयल में मैं थोड़ा सी जीरा डालूंगी, 1/4 स्पून, और 1/4 स्पून राई। अब इसमें मैं डालूंगी ये सारे मसाले, तेजपत्ता, इलायची, लवंग, दालचीनी, स्टार और काजू। इन्हें हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और काजू हल्का गोल्डन हो जाए जब तक हम इन्हें फ्राई होने देंगे। पुलाव बहुत ही टेस्टी बनते हैं। काजू का कलर चेंज हो गया है, हल्का गोल्डन हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी अनियन, अनियन को भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, अच्छे ट्रांसपेरेंट हो रहा है जब तक हमें फ्राई करना है। अगर आप अनियन नहीं खाते हो तो आप इसकी जगह आलू भी डाल सकते हो, ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हमें अनियन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन ट्रांसप्लांट होने के बाद ही हमें डालना है। हरी मिर्च, अब इसमें मैं डालूंगी सौंफ। मिर्च के लिए और फ्राई करते हैं ताकि मिर्ची का कच्चापन निकल जाए, जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन निकल जाएगा। कच्चा रहेगा तो पुलाव में अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, पुलाव हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, तो हमें फ्राई करना बहुत जरूरी है। 2 मिनट फ्राई होने के बाद हमें टमाटर डालना है इसमें। टमाटर भी 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, ऐसे हल्के सॉफ्ट हो जाए जब तक। पालक को हमें अच्छी तरह से 3-4 पानी से धोना है कि बाद में कोई भी चीज बनानी है। एक 2 सेकंड के लिए हम इसे ऐसे ही
रखेंगे ताकि पालक थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कुक हो जाएगा, उसके बाद में हम इसमें राइस डालेंगे। पालक सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसमें राइस डाल देती हूँ। राइस में से मैंने पानी निकाल दिया है, अच्छी तरह से भीग भी गया है राइस 10 मिनट में। आप चाहे तो यहाँ पे बासमती राइस भी ले सकते हो। ऐसे एक बार हल्के हाथों से अच्छे से हिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स करना है हमें। बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखते हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, 3 कप मैंने पानी लिया है। अच्छे से मिलाएंगे इसे और अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। हम रात में डालेंगे 1 स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिएगा। मिक्स कर लेते हैं सॉल्ट डालकर। अब इसे ढककर मैं 2 सीटी ले लूंगी, 2 सीटी में ये पुलाव बनकर रेडी हो जाएंगे। 2 सीटी आ चुकी है, अब हम कुकर खोल लेते हैं। कितने अच्छे बने हैं पुलाव, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ मैं। इस तरह से मैंने प्लेटिंग कर ली है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगा और टेस्ट के साथ बहुत हेल्थी भी बनेगा, क्योंकि इसमें पालक डाला है हमने। पालक हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप ये पालक पुलाव एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेरे ये पालक पुलाव कैसे लगे हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।